तो भाई लोगों, अभी अभी खबर मिली है कि सांस लेने 2 मिनट फिर बताता हूँ। हाँ, तो अभी अभी खबर मिली है कि जितना समय लेह से पांग आने में लगता है उससे ज्यादा समय पांग से सारचू जाने में लग जाता है, जो कि 75 किलोमीटर है। वो क्यों लग जाता है? क्योंकि बहुत सारी ऑफ रोडिंग है, छोटा रास्ता है, पुल टूटे हुए हैं और वाटर क्रॉसिंग है। तो शुरू करते हैं पांग से सारचू का रास्ता। ये ब्रिज से शुरू होता है। अब देखते हैं आगे क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। काफी लोग बोल रहे हैं गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है और वाटर क्रॉसिंग है। तो अब जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी आप लोगों को अपडेट करता चलूंगा। निकल चुके हैं हाल फिलहाल, तो देखते हैं कितना समय लगता है। गाड़ी तो बहुत तेज आ रही है दूसरी। हाँ चलो गाइस, आप लोगों को अपडेट करता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। वैसे भाई लोग, वो देखो ऊपर जाना हमें, ये रोड चढ़नी है पांग से सारचू। रास्ता कुछ ऐसा है, छोटा है, ब्रिज व्रिज टूटे फूटे हुए हैं। ये देखो, ये ब्रिज भी लगता है कभी भी गिर जाएगा, साला बीच में से टूटा हुआ है। हे भगवान, भगवान का नाम लो, निकल जाओ। ऊपर सड़क रुकी हुई है ट्रकों के कारण, क्रॉसिंग इतना आसान नहीं है इन रोडों पे। हमें ऊपर जाना है, वो ट्रकों को नीचे आना है।
देखो भाई क्या खतरनाक रास्ता है और यहाँ पे क्रॉसिंग है।
हटक गई है मेरी, हटक गई है, हटक गई है। अटक जाएगा इधर, गाड़ी अटक जाएगा, मैं खुद पलटी मार के इधर से जा रहा हूँ। हाँ, और प्लस गिरने का डर आ रहेगा, इधर से चलो सही रहेगा। भाई ये है लाचुंगड़ा पास, 16,486 है शायद फीट अबव द सी लेवल। और लाचुंगड़ा वाला रास्ता खतरनाक है, पूरा ऑफ रोडिंग कर रखी है भाई। फंस गया हूँ अभी, एक बहुत गंदा पास था, निकाल लिया अपन ने। तो भाइयों
पहाड़ों पे चल रहा है रोड बनाने का काम, इस कारण से रोक गया है ट्रैफिक। हम अभी तक चाचू से पहले अटके हुए, चाचू को 42 किलोमीटर है। हाँ जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र से हो क्या? Thank you.
तो भाई लोग ये चेनाब रिवर है, चेनाब पहले इंडस रिवर थी हमारे साथ में, अब चेनाब रिवर आ गई है और हम लोग सारचू पहुंचने वाले हैं। और सबने सही कहा था, जितना टाइम ले से पांग आने में लगता है उतना ही टाइम पांग से सारचू जाने में लगता है, क्योंकि इतना कंजेस्टेड है रोड और इतनी जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ एक जगह बॉटल नेक है, होल्ड करना पड़ता है जब तक दूसरी गाड़ियों को पास नहीं मिलता है, तो बाइक वाले भी हो चाहे कार वाले हो लेट होते हैं। हम बाइक वाले थोड़ा कम लेट होते हैं, कार वाले ज़्यादा लेट होते हैं। सारचू तक की लोग, ऐसा रास्ता है अब देख लो आप, अभी तक सारचू नहीं आया है। सबसे गंदा रास्ता है सारचू के लिए, क्योंकि एक ही लेन है, टू लेन भी नहीं है, ये सिंगल लेन रोड है। सामने से आता है तो आपको ब्रेक मारने पड़ते हैं, पीछे से कोई आता है तो आपको ब्रेक मारने पड़ते हैं। आई होप अब रोड खराब नहीं होगी, देखते हैं। सारचू आ गया है और सारचू आते आते शाम भी हो गई है। अब यहाँ से 12 लच्चा है 33 किलोमीटर पे, किलो होंगे 107 किलोमीटर, मनाली 177 किलोमीटर। आर्मी के ट्रक लगे हुए हैं भाई लाइन से,
क्या कहानी है यहाँ पे पता नहीं। पीछे गड्ढो वाला रास्ता ओके ये ब्रिज बन रहा है तो नीचे से जाना पड़ रहा है। ओके कोई ब्रिज है हाँ इस पे एक जना एक बारी में जा रहा है। एक मिनट रुकना खतरनाक ब्रिज है भाई ये देखो क्या आवाज है भाई। थोड़ी वाटर क्रॉसिंग है हाँ पत्थर हैं गंदे वाले निकाल ली भाई निकाल ली हाँ आँख फाइनली वाटर क्रॉसिंग गंदी वाली तो भाई लोग गंदी तरीके से गाड़ी का पेट्रोल टैंक वाला ट्रॉलर जो है फंस गया है। ओह 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 अब इसका क्या होगा पता नहीं।
और मैंने दो गंदी वाटर क्रॉसिंग निकाली है भाई, वाट लग गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज गुड सो फार, एवरीथिंग इज ग्रेट। मनाली 222 किलोमीटर है, अगर मनाली में जल्दी पहुंच गया तो मैं टारगेट करूंगा चंडीगढ़ आज ही, देखते हैं। सारचू के अंदर, सारचू के अंदर आप लोग चाहो तो ऐसे कैंप में भी रह सकते हो, टेंट में भी रह सकते हो। यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे गए, ये एक और है, दो हैं इधर देखो, एक ये रहा एक आगे है। तो यहाँ पे आप टेंट में रह सकते हो, भालू वालू भी आते हैं रात के टाइम पे इधर, अगर आपको कुछ एडवेंचर पसंद हो तो यू कैन स्टे हेयर एंड टेंट। बट अपना तो टारगेट आज कुछ और है, आज अपने को क्रॉस करना है मनाली। मनाली है अभी 215 किलोमीटर, दारचा है 70 किलोमीटर, दारचा किलो जिस पर शायद आएगा नहीं आएगा पता नहीं इस रास्ते में, देखते हैं अभी। अभी हम टारगेट करते हैं दारचा, विच इज 70 किलोमीटर। ये देखो एक और कैंप है, लाइन से लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। और सामने खूबसूरत सी रोड जिस पे अपनी डेजर्ट शिप दौड़ रही है, ये रही है। लोगों हम पहुंच रहे हैं दारचा, पूरा रास्ता खराब है, रोड बन रही है वही, और ये सामने चल रहे हैं दो राइडर महाराष्ट्र से। देखो क्या रास्ते हैं, एसएल वर्ल्ड की राइड हो रही है, जबरदस्त वाली। अब होपफुली रोड जा रही है, होपफुली देखते हैं अब इधर क्या है। तो भाई लोग दारचा जा चुका है, दारचा जा चुका है, और जिसका अभी कुछ 3 किलोमीटर है, हम जा रहे हैं केलोंग की तरफ, केलोंग से जाएंगे मनाली। तो आज मनाली जाना तो पक्का है, बाकी मनाली के आगे जाते हैं, मनाली में ही नाइट स्टे लेते हैं, ये मैं डिसाइड करूंगा डिनर के टाइम पे। चलो आई विल कीप यू पोस्टेड। हाल फिलहाल एवरीथिंग इज गुड, काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग आई, वन ऑफ द टफेस्ट राइड है विच आई हैव डन ले टू मनाली सो फार। केलोंग में खाना खा लिया है, और जेरिकेन का जो पेट्रोल था वो फ्यूल टैंक में डाल दिया। अब यहाँ से 70 किलोमीटर पे मनाली है। मैं पहले मनाली खाने का ही सोच रहा था, लेकिन मनाली जब तक पहुँचेंगे तब तक लेट हो जाएगी, अगर किचन विचन बंद हो गए होटल्स के तो फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने केलोंग में ही खा लिया। अच्छा था खाना केलोंग में खा करके, और जो मुझे
पेट्रोल ट्रांसफर करना था, पेट्रोल ट्रांसफर कर लिया। अब हम निकल गए हैं मनाली के लिए। अब यही सोच रहा हूँ कि मनाली रुकूँ या मनाली से आगे निकल जाऊँ, चंडीगढ़ हाईवे पे कहीं रुकूँ। देखते हैं कैसा सेटिंग बैठता है। मनाली पहुँचने में हाल फिलहाल 1-1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अंदर अगर नींद सी आएगी तो मनाली रुकेंगे, अगर नींद नहीं आएगी तो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे।